नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुख करते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर के भदैया ब्लॉक प्रधान संघ के अध्यक्ष एवं महेशुआ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह बजरंगबली से नया भारत दर्पण समाचार की टीम उनके गांव पहुंचकर खास बातचीत की है। बातचीत में प्रधान संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा, हम सभी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सभी के सुख दुख में पहुँचते हैं। हमारे क्षेत्र में जनता की कोई समस्या आती है जो लोग हमारे पास आते हैं, हम तुरंत समस्या का समाधान कराते हैं। प्रधान प्रतिनिधि ने कहा, हमारी यह सोच रहती है चौकी और थाना पर लोग ना जाएं, परेशान ना हो। हमारे ग्राम सभा में 40 कॉलोनी आई है और हम चाहते हैं इस बार हमारे ग्राम सभा में मुख्यमंत्री आवास अधिक से अधिक आए जिससे ग्रामवासी को लाभ मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार, मैं हूं अर्केश यादव। आज हमारे साथ भदैया ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह हैं। आज इनसे हम बातचीत करेंगे, बजरंग बली आज इनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, जैसे आज हर समाज की सेवा आप कर रहे हैं, ये कहां से आपकी प्रेरणा मिली? हमको प्रेरणा हमारे बाप माँ के आशीर्वाद से मिला है और हम सब लोगों का सहयोग, हमेशा सब ऊपर आशीर्वाद बनाए रखता हूँ और हर जात कोई जात बात की राजनीति नहीं करता हूँ। होली के त्यौहार पे हम सबको हार्दिक शुभकामनाएँ एवं आशीर्वाद देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि होली के त्यौहार पे ज़्यादा से ज़्यादा सूखे रंग का प्रयोग करें, इसलिए कीचड़ और मिट्टी सब जो फेंकते हैं इससे बहुत नुकसान होता है। और बजरंगबली कृपा दृष्टि हमारे क्षेत्रवासियों पर आजीवन बनी रहे, जिस लायक रहता हूँ मिलता रहता हूँ। प्रधान जी, एक चीज़ मैं देखा हूँ कि अगर कहीं भी कोई मसला हो जाता है या मतलब कोई पंचायत या हो जाता है तो नाम ये आता है बजरंगबली के पास चले, वहाँ से मतलब निदान हो जाता है, इसका क्या स्रोत है? इसका ये स्रोत है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करता हूँ लोग थाने चौकी न जाने पाए, ज़्यादा से ज़्यादा मामला अपने कार्यालय पर या जिसके यहाँ जाता हूँ पंचायत क्षेत्र में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता हूँ सुलह हो जाए, मामला आगे न बढ़ जाए। प्रधान जी, जैसे इस समय तो प्रधानमंत्री आवास आए हुए हैं, कॉलोनियाँ आई हुई हैं, आपके यहाँ कितनी आई? हमारे यहाँ 40 कॉलोनियाँ आई हैं और सबका करके हमारे गांव में 400 कॉलोनियाँ आई हैं, पहले से आती रही, अभी समय 40 कॉलोनियाँ आई हैं, सबका काम शुरू हो गया है, सब काम हो रहा है और पैसे कौड़ी कोई बात नहीं लेने देने की। प्रधान जी, जैसे होली का त्यौहार आ रहा है, सभी रात आ रही है, आप क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग आराम से होली खेलिए, सुबह रात मनाइए, ऐसा कोई काम ना हो जिससे बुराई हो या हड़दंग मचाया जाए। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या देशवासियों को क्या कहना चाह रहे हैं? हम पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं होली के त्यौहार पे और मेरा यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होली का त्यौहार सूखे रंग से खेलें ताकि आदमी को परेशानी न हो और बहुत बीमारियां भी फैलती हैं, इसलिए सूखे रंग से आराम से अबीर लगाएं, गुलाल लगाएं और रंग वाला कीचड़ वाला काम न करें। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ अर्केश यादव की रिपोर्ट, सुल्तानपुर। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।